कौन बनेगा करोड़पति का 13वां सीजन फिलहाल चल रहा है, जो दर्शकों का मनोरंजन करता नजर आ रहा है। 29 सितंबर के एपिसोड में कंटेस्टेंट सविता भाटी 1 करोड़ रुपए जीतने से चूक गई। लेटेस्ट एपिसोड की शुरुआत सविता भाटी के साथ हुई, जो कि रोल ओवर कंटेस्टेंट थी। वो पेशे से रेलवे अस्पताल में नर्स के तौर पर काम करते हैं। मंगलवार के एपिसोड में उन्होंने 12,50,000 रुपए जीत लिए थे। इसके बाद बुधवार को उनके साथ आगे का गेम शुरू हुआ। सविता भाटी लाइफलाइन और अपनी जानकारी की मदद से अच्छा गेम खेलते हुए आगे बढ़ती रही और 50,00,000 रुपए तक की राशि जीत गई। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने उनसे 1 करोड़ की राशि के लिए सवाल पूछा। इस सवाल तक आते आते सविता के पास कोई लाइफलाइन नहीं बची थी। हालांकि उन्हें सही जवाब मालूम था, लेकिन वो श्योर नहीं थी। ऐसे में उन्होंने गेम को क्विट करना बेहतर समझा। अमिताभ बच्चन ने 1 करोड़ के लिए उनसे सवाल पूछा था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की में 1915-16 में किस लड़ाई में भारतीय सेना के करीब 16,000 से अधिक सैनिकों ने मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर बहादुरी से युद्ध किया था। इसके ऑप्शन दिए थे गैलिसिया, अंकारा, तबसोर और गलीपोली। इस सवाल का सही जवाब गलीपोली था। सविता को ये जवाब मालूम था, लेकिन वो कंफ्यूज थी, इसलिए खेल छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने 50,00,000 रुपए जीते, लेकिन गेम छोड़ने से पहले उन्हें सही जवाब बताना था। इसलिए जब उनसे पूछा गया कि सही जवाब क्या है, तो उन्होंने गलीपोली बताया, तो बिग बी हैरान रह गए और कहा कि अगर वो मौके पर जवाब दे देती तो 1 करोड़ रुपए जीत जाती। बता दें कि कौन बनेगा करोड़पति के 13वें सीजन को अभी तक एक ही करोड़पति मिला है और उनका नाम है हिमानी बुंदेला। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।